बच्चों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल आरबीसी फिजिक्स क्लासेस पर। और आज के इस लेक्चर में अपन करेंगे आपकी 12th क्लास के चैप्टर नंबर 7 का एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल नंबर 18, 18वां उदाहरण जो आपको टोरॉइड के आगे दे रखा है। तो इसके पिछले वीडियो में अपन ने टोरॉइड पढ़ा था, और टोरॉइड के केंद्र पर जो चुंबक फोर्स को आ रहा है μ0 ni। तो सवाल पढ़ते हैं, सवाल करते देखिए। सवाल क्या है, कोई परिनालिका का जिसकी लंबाई 0.5 मीटर, यानी आपको एक परिनालिका की लंबाई दी है 0.5 मीटर, ठीक है, तथा त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या है उसको हम किसे स्मॉल आर के ऊपर स्मॉल आर से दिखा दें, 1 सेंटीमीटर, यानी 1 × 10^-2 मीटर इसकी त्रिज्या आपको दे रखी है। मैं 500 फेरे, इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है यानी कैपिटल एन का मान 500 है, तथा तो इसमें 5 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है, यानी इसमें I का मान जो दे रखा है वो 5 एम्पियर की विद्युत धारा करंट बह रहा है उसके परिनालिका के अंदर। तो परिनालिका के भीतर चुंबक के क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है परिनालिका के भीतर पहले बात तो आदर्श परिनालिका है, नहीं चेक कर लेते हैं। तो देखिए आदर्श परिनालिका की कंडीशन क्या थी कि अगर उसकी लंबाई उसकी त्रिज्या की तुलना में बहुत ज्यादा हो तो उसे अपन आदर्श परिनालिका बोलते हैं। इसकी लंबाई कितनी है, 0.5 मीटर, त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल सही है, 0.5 मीटर 1 सेंटीमीटर से बहुत बहुत ज्यादा है, आधा मीटर है, आधा मीटर है। 0.5 मतलब 1/2 मीटर है, मतलब ये आपकी आदर्श परिनालिका है। 1 सेंटीमीटर का इतना है, 1 सेंटीमीटर आधा मीटर इतना लगभग, जो भी आधा मीटर 50 सेंटीमीटर के करीबन हो गया। आधा मीटर कितना है 50 सेंटीमीटर के सामने, 1 सेंटीमीटर के सामने 50 सेंटीमीटर बहुत ज्यादा हो गया है कि नहीं, 50 सेंटीमीटर, क्लियर। तो ये आदर्श परिनालिका है, और अपन जानते हैं आदर्श परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान एक समान होता है, और उसका मान कितना होता है, B = μ0 × nI, B = μ0 × nI, जहां पे स्मॉल एन आई क्या था, एन बटा एन, स्मॉल एन क्या था, एन बटा एन, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ इकाई लंबाई में फेरों की संख्या। तो अपन इसकी जगह इसको लिखते हैं μ0 n/L × में आई, सब कुछ देखा है। μ0 का मान जानते हैं, याद होना चाहिए कितना, 4 π × 10^-7, ये ऐसा ही मात्रा में होता है न्यूटन पर एम्पियर, इसको वेबर पर एम्पियर इंटू मीटर, दोनों सही है। ऐसा ही के अंदर कितना होता है, 4 π × 10^-7, एन कितना है 500, स्मॉल एन को एन बटा एन, क्योंकि अपन ने एन बटा एल को ही स्मॉल स्मॉल एन लिखा था जब हमने डेरिवेशन किया था। नीचे इसकी एल लंबाई 0.5 × इसमें करंट कितना है 5 एम्पियर, हल कर लीजिए। तो 4 π × 10^-7, यहाँ पे 500, और एक जीरो इस पॉइंट को हटाऊं तो ऊपर एक जीरो लगाता हूँ, तो इस 5 से 5 कट जाएगा, क्लियर है ना, 5 से ये 5 कट जाएगा। तो बन जाएगा 4 π × 10^-7 इंटू में 5000, 5000 मतलब 5 × 10^3, तो ये बन जाए देखो 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20, और इसको आप 5000 को 5 × 1000 कर सकते हो, 1000 × 10^3, यानी ये बन जाएगा आपको 20 π × 10^-4, और यहाँ से टेस्ला चुंबक के क्षेत्र का मात्र कर टेस्ला। अब 20 π बंद कर लो तो 20 × π का मान 3.14, 3.14 इंटू में बन जाएगा 10^-4। तो आप इसको कैसे करें, 20 को 2 × 10 कर लो तो 2 × 3.14 × 10, दिखाई दे रहा है आप नीचे, यानी देखो 2 × कितना आएगा 3.14, इसको मैं 20 को 2 × 10 बोल रहा हूँ, 10 × 10^-4, 10^-3, अब 2 × 4 = 8, 2 = 6.28 × 10^-3 टेस्ला, 6.28 × 10^-3 टेस्ला विल बी योर आंसर। ये आ गया आपका बी का मान, ठीक है, क्लियर, सिंपल सा फॉर्मूला था। ये अनंत लंबाई की परिणालिका है, पता क्या चला, इसकी लंबाई त्रिज्या की तुलना में बहुत ज्यादा है, तो तुम यहाँ ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये फॉर्मूला कब था, अनंत लंबाई की परिणालिका के लिए, और अनंत लंबाई की परिणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान एक समान होता है, और उसका मान μ0 × nI, जहां पे स्मॉल एन होता है इकाई लंबाई में फेरों की संख्या, यानी एन बटा कैपिटल फेरे बटा परिणालिका की लंबाई। चलिए ये था एग्जाम्पल नंबर 18, क्लियर। आगे बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 19, तो आप ये वाला एक बार पॉल के नोट कर लीजिए और वो पढ़ लीजिए, फिर आगे चले।
चलिए हो गया एग्जाम्पल नंबर 19। तो देखिए क्या आपका ये दे रखा है इन्होंने कि एक टोरॉइड, ये क्या है टोरॉइड की माध्य त्रिज्या, ये आपकी टोरॉइड है, ये आपकी टोरॉइड है, टोरॉइड की माध्य त्रिज्या मतलब आपको ये स्मॉल आर दे रखा है जो अपन ने डेरिवेशन में किया था, इसको स्मॉल आर मान के यहाँ पे अपन ने एम्पीयर लूट लिया था ठीक है वो करके। तो देखिए एक टोरॉइड है जिसकी माध्य त्रिज्या यानी आपको स्मॉल आर का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर, इसको लोगे आप 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो 10^-2 मीटर यानी 10^-1 मीटर हो गया। फिर आगे और अपना उसमें 500 फेरे, इसमें कितने फेरे लपेटे, इसमें घेरे कितने 500, यानी कैपिटल एन का मान आपको दे रखा है 500, कितना दे रखा है 500। यदि टोरॉइड की कुंडली में धारा का मान 0.1 एम्पीयर यानी करंट आपको दिया है 0.1 एम्पीयर, क्या दे रखा है 0.1 एम्पीयर हो तो टोरॉइड में चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए, यानी अपने टोरॉइड की एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो आप जानते हो बी बार वही फॉर्मूला म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन आई, म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन आई फॉर्मूला होता है टोरॉइड के लिए। अब एन यहां से नहीं दिया तो इस एन को अपन ने क्या लिखा था एन बटा 2 पाई स्मॉल आर को ही तो अपन ने स्मॉल एन लिखा था, तो वापस से काम कर दीजिए क्यों कर दे क्योंकि यहाँ पे कैपिटल एन दे रखा है और स्मॉल आर दे रखा है, तो मेरे को ये लिखना, मेरे पास अगर ये इकाई लंबाई में फेरों की संख्या देता तो स्मॉल एन मिल जाता, लेकिन उन्होंने स्मॉल एन ना दिखे ना देके कैपिटल एन और आर दे रखा है। तो देखिए ये बन जाएगा बी बराबर म्यू नॉट एन स्मॉल एन के लिए लिखेंगे एन इंटू में 2 पाई आर, 2 पाई आर इंटू में आई, इंटू में आई सारे मान आपके पास पड़े तो इसको मैं अब यहां लिखा हूं देख लीजिए। तो म्यू नोट का मान आप जानते हो याद हो जाना चाहिए, म्यू नोट का मान 4 पाई इंटू 10^-7, तो 4 पाई इंटू 10^-7 इंटू में कैपिटल एन जो दे रखा है 500, यहाँ पे 500 नीचे 2 पाई आर और स्मॉल आर का मान हो गया 10^-1, 10^-1, 10^-1 घात में रख लो, इंटू में चल रहा है आई, आई उन्होंने दिया कितना आई 0.1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर। देखिए पाई से पाई कट जाएगा, 2 × 2 = 4, ये तो आ गया 2 × 10^-7 इंटू में 500, इंटू में 500 10^-1 ऊपर जाएगा बन जाएगा 10 और 0.1 को आप 1/10 लिख सकते हो, 0.1 को 1/10, 10^-1 ऊपर जाएगा प्लस का 10^1, तो इससे कट जाएगा। तो आगे कितना देखो 2 × 10 और 7 × 2 = 1000 इंटू 10^-7 1000 × 10^3 इंटू 10^-7 आधा समान घाते जुड़ जाएगी, तो बी का मान आ रहा है 10^-4 टेस्ला, बी का मान आपकी आंसर बुक में आ रहा है 10^-4, देखो सही है। इन्होंने मात्रक क्या लिखा है वेबर पर मीटर, उसका तो आप जानते हो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक न्यूटन पर एम्पियर मीटर, इसी को अपने टेस्ला लिखा था, इसी को अपन ने वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखा था, तो ये लिख दो चाहिए ये लिख दो चाहिए ये लिख दो चाहिए तो सारे सही है, मैंने लिखा है टेस्ला, बुक में लिखा है वेबर पर मीटर स्क्वायर, तीनों सही है, तीनों ऐसा मात्रक है न्यूटन पर एम्पियर मीटर को टेस्ला, फिर वेबर होता है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, तो फॉर्मूला होता है फाइव बराबर बी, जो अपन चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे, यहाँ से बी का मात्रक, बी चुंबकीय क्षेत्र एक क्षेत्रफल, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो सकता है, तो बुक में लिखा है मैंने टेस्ला लिख दिया। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 19 का सॉल्यूशन, आपके 7.19 19वें उदाहरण का हल। ओके प्यारे बच्चों धन्यवाद।